ऐसे हुआ तो कैसे आशा करता हूँ सब बड़े हुए का आज आईफोन में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर आपको दिखाने वालों जो आईफोन में अपडेट हुए हैं। तो इसमें बेहतरीन फीचर है जो आपको आज रिव्यू करने वालों में सारे फीचर जितने भी है सब आपके काम के फीचर है आईफोन के अंदर, तो आपको मैं सारे स्टेप बाय स्टेप फीचर बताने वालों इस वीडियो में। है गाइस, मेरा नाम है तफसीर, हमेशा सर आपका स्वागत है टेक्निको चैनल में। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इनमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर। सबसे पहले आता है इनमें ऑप्शन ए सीरी। तो ए सीरी नाम से मोबाइल आपका जो आप करवाना चाहो मोबाइल से वो कर सकता है ए सीरी नाम से। तो इनमें कुछ ऐसे पहले गाइस इसे सेटअप करने पड़ता है, मैंने इसे सेटअप कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हो। तो मैं आपको अभी एक डेमो दिखाता हूँ ए सीरी नाम का। तो गाइस ए सीरी लो हेलो। तो गाइस देख सकते हो आप, तो आपको मैं और चीज दिखाता हूँ। ए सीरी लॉक माय डिवाइस। तो ये देख सकते हो गाइस ये लॉक हो चुका है, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो गाइस बोल के भी ओपन करा सकते हो बट मैंने ये सेट नहीं कर रखा है। ए सीरी अनलॉक माय डिवाइस, अनलॉक नहीं होगा तो ये मैंने सेटअप नहीं कर रखा है। मैं इसे पहले अनलॉक कर लेता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है दूसरा, तो आपको यहाँ पे ऐप स्टोर में, तो गाइस आपको एक प्रॉब्लम लगती होगी देखने में ऐप स्टोर में, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो एक प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है जैसे पिकोमोन गेम है मैं से इंस्टॉल करता हूँ, तो ये हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस ये आपको प्रॉब्लम लगती होगी, ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये डबल क्लिक टू स्टोर, तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। अगर गाइस आपका फेस लोग लगवा है तो आप जो जिसका फेस लोग लगवा सकते हैं वो एक्टिवेट होगा खुद ही खुल जाएगा। अगर जिसका फेस लोग नहीं लगवा सकते और वो खोल रहा है इसे स्टोर कर रहा है तो आपको इसे पासवर्ड बताना होगा जब इसे स्टोर कर सकता है। तो आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर दोबारा क्लिक करना है, यहाँ पर फेस लोग कंटिन्यू हो जाएगा, ये डन हो चुका है, अब इसे स्टोर हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसे दिखाता हूँ अब बिना फेस लॉक के इंस्टॉल करके कैसे इंस्टॉल होता है। तो हम दूसरा ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है एक बार मांगा डबल क्लिक। तो मैं यहाँ पर कैमरे पर हाथ लगा लेता हूँ, ठीक है तो मैं डालता हूँ उसे डबल क्लिक, साइड आ चुका है। तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड देना होगा। तो जब पासवर्ड दोगे जब ये इंस्टॉल हो चुका, वरना इसे कोई भी इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो इतनी बेहतरीन फीचर है, कोई हमारे अलावा इसे छू भी नहीं सकता, मतलब कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं कर सकता बिना छुए और बिना फेस के। तो आपको मैं और चीज दिखाता हूँ, इनमें एक आता है हमारा फाइंड माई डिवाइस, तो जिस एरिया में देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत बेहतरीन चीज है। इनमें यहाँ पर डिवाइस में जाकर आप इसे इरेज भी कर सकते हो मोबाइल को क्लियर डाटा, तो यहाँ पर एरिया इरेज का भी ऑप्शन, अगर आप खो जाते हो मोबाइल तो आप दूसरे में, गाइस अगर आपका मोबाइल खो जाता है लॉस हो जाता है कहीं सॉरी खो जाता है, तो आप इसे जो आपकी एप्पल आईडी होती है इसे किसी और के मोबाइल में डाल के, एप्पल जरूरी नहीं है गाइस एप्पल ही मोबाइल होनी चाहिए, अगर कोई सा भी एंड्रॉइड मोबाइल है तो आईफोन का एक एप्लीकेशन आता है फाइंड माई डिवाइस करके, तो आप इसे स्टोर करके आप दूसरे मोबाइल में एप्पल आईडी एक्टिव करके आप इसे देख सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। जो है जो तीसरा फीचर है ये गिटार है, इसमें इनमें गिटार मिलता है एक, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर पेनो देख सकते हो, यहाँ पर पेनो है बजाने के लिए मिलता है, स्टोर होता थोड़ा टाइम लेता है स्टोर होने में, तो आप यहाँ से स्टोर ये जो है आप यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हो गाने गा के। तो मैं आपको तो चेक कर सकते हो, ये देखो इतनी बेहतरीन चीज में गिटार मिलता है, एप्लीकेशन डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो यहाँ पे सेटअप भी मिलता है इसे सेट करने का, गाने का सेट करने का, आप सेट करके भी बचा सकते हो उसमें।
जैसे देख कर रहते हैं कुछ और चीज़ देखते हैं, ट्राई मारते कुछ। तो भाई मैं दूसरा तीसरा जो भी हमारा फीचर है, तो इनमें एक आई मूवी ऐप जो मिलता है, इससे आप अपनी वीडियो को एडिट कर पाओगे, हाई लेवल वीडियो बना सकते हो क्वालिटी के साथ, और इसमें एडिट के साथ फोटो भी मिलती है, आप देख सकते हो, यहाँ एडिट कर पाओगे हर एक वीडियो को बेहतरीन तरीके से जो सेटिंग है इसमें सेटअप करके। गाइस अगर आप मोबाइल का सेटअप करके चलोगे तो आपकी अच्छी खासी वीडियो बनेगी। हर चीज़ का गाइस सेटअप करना पड़ता है इनमें, जब आप इसकी वीडियो रिकॉर्ड, और जैसे मैं एप्पल आईडी मोबाइल लेता हूँ तो इसका सेटअप करना पड़ता है, आईडी बनानी पड़ती है इसकी, तो इसमें भी सबका सेटअप करना पड़ता है मोबाइल का। तो आप सेटअप करके यूज़ करोगे तो सारी चीज़ें बेहतरीन चलेगी इसमें, तो मैं सटा देता हूँ। तो गाइस इनमें एक ऑप्शन और है, अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सिम दिखा तुम्हें, ये अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो आप इसे कनेक्ट कर पाओगे, सेटअप कर पाओगे अपनी एप्पल वॉच के हाथ में साल पर। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। और अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो इंस्टाग्राम पे तो आप क्लिप बना सकते हो उससे, और शॉर्ट कट भी कर सकते हो। तो ये दोनों एप्लीकेशन है, एक शॉर्ट कट ये वाला, और नीचे है ये एक ऑप्शन क्लिप्स ये वाला, दोनों आप क्लिप्स बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। गाइस एक लास्ट फीचर और बचा है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, एक इंटरेस्टिंग जो फीचर है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और गाइस आपके मोबाइल में कोई और बढ़ता है और आपको इसका पासवर्ड नहीं पता, आप अगर ये 10 बार ट्राई करता है तो ये एक ऑप्शन है नीचे इधर डाटा का, अगर ये 10 बार आपको इसमें पासवर्ड नहीं पता सर, 10 बार अगर ट्राई करता है तो जैसे 10 बार के बाद दोबारा ट्राई करेगा तो आप अगर नहीं खुलता है मोबाइल, सारा डाटा जितने भी होगा सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसे इनेबल कर सकते हो आप, अगर चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, तो मैं ऑन कर देता हूँ उसे, इनेबल कर सकता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। तो भाई अच्छी चीज़ में, और ये जो इतने भी फ्यूचर है आप उसे ऑन कर सकते हो सारी ये। तो गाइस में आईफोन में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।